हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ हुसैन रहर के इस आर्टिकल को शेयर करूंगी। तो जब मैंने ये ड्रेस देखी तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को डिज़ाइन करेंगे। तो मैंने इसको किस तरीके से डिज़ाइन किया है ये मैंने आपको बहुत ईजी वे में बताया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। और स्पेशली ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जिनको कढ़ाई करना नहीं आता है, क्योंकि हर कोई कढ़ाई नहीं कर पाता है। इसलिए तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरी ड्रेस कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रही है। और मैं बता दूं मैंने यहाँ पर किन किन चीज़ों का यूज़ किया है, और आप ये देख रहे होंगे ये मैंने पोटली बैग भी बनाया है। ये पोटली बैग तो बिल्कुल सेम बनाया है जैसे मॉडल के पास है, और इसमें मैंने टोटली लेस का वर्क किया है। तो ये देखें यहाँ पर जो गले में मैंने जरी वाली लेस आती है उसका यूज़ किया है, और इसमें सिंपल सिल्वर कलर की लेसों का यूज़ किया मैंने। यहाँ पर प्लेट्स डाली हुई हैं इस तरीके से, और ये देखें। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी फैब्रिक को देख लेते हैं कि हमने कौन सा फैब्रिक यूज़ किया इसमें। तो मैंने इसमें साटन फैब्रिक का यूज़ किया है जो कि 3 मीटर लाई थी मैं। इसमें फुल लेंथ रखी है मैंने, तो मैं यहाँ पर कपड़े को 4 फोल्ड में रख लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में रख लिया है। अब मैं यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाती हूँ जो कि मैंने 7 इंच पे लिया है, और 7 ही इंच मैं यहाँ पर आर्म होल के लिए निशान लगा लेती हूँ। एक्चुअली इसकी कटिंग ना थोड़ी सी अलग हुई, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखना किस तरीके से मैं यहाँ कटिंग कर रही हूँ। और ये निशानों को मैंने आपस में मिला दिया। अब मैं यहाँ पर आर्म होल का निशान लगा लेती हूँ जो कि मैंने 1 इंच की दूरी पर लगाया। इस तरीके से ये हमारा बैक पार्ट के आर्म होल का निशान था। अब जो हम निशान लगा रहे हैं ये हमारा फ्रंट पार्ट का निशान हो गया। तो ये दोनों निशान लग के कम्प्लीट हो गए। अब हम यहाँ पर ब्रेस्ट का निशान लगाएंगे। तो ब्रेस्ट का जो नाप है वो है 8.5, लेकिन हम यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 9.5 पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हमें आगे प्लेट डालनी है। तो प्लेट डालने के लिए हमें दोनों साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब इस तरीके से ही हमें कमर का और जो है हिप का निशान लगाएंगे। तो इन दोनों की जो दूरी है वो 7-7 इंच पे निशान लगा लेंगे उससे पहले, और उसके बाद जो कमर का निशान लगाएंगे वो 7.5 है, लेकिन 7.5 की जगह हम 8.5 लेंगे क्योंकि हमें 1 इंच लूजिंग के लिए भी चाहिए। इसी तरीके से हम हिप का निशान लगा लेंगे। तो इन तीनों निशानों को आपस में हम मिला लेंगे। इसके बाद यहाँ पर 2-2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं एक निशान और लगा लेती हूँ इस तरीके से। तो ये हमारे निशान यहाँ पर लग के कंप्लीट हो गए हैं। तो अब मैं इन निशानों को नीचे तक मिला देती हूँ इस तरीके से, और मैंने यहाँ पर 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए लिया है जो हम साइड से फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग करके कंप्लीट कर लिया है, और ये मैंने छोटे से कट्स लगा दिए हैं कमर के निशान पर और हिप के निशान पर। इसी तरीके से हम एक निशान यहाँ पर भी लगाएंगे। तो ये देखें ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसी में से हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग जब हम करेंगे तो उसकी जो लेंथ है वो मैंने फुल लेंथ रखी है 24 की कटिंग करेंगे, और 1 इंच जो है हमारा मार्जिन में चला जाएगा। तो अब हम इसकी सिलाई के लिए दोनों पार्ट्स को अलग कर लेते हैं इस तरीके से। मैं यहाँ पर फ्रंट पार्ट लेती हूँ पहले, क्योंकि हमने कटिंग नहीं करी थी। तो जो हमारे यहाँ आर्म होल की जो कटिंग है हम इसको कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अब यहाँ पर ये कटिंग होके कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी गले की कटिंग करेंगे। तो एक्चुअली यहाँ पर ये हुआ कि मुझे लगा कि ये रिकॉर्ड हो रहा था, बट ये रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, जो मैंने गले की चौड़ाई ली है वो 3.5 इंच की ली है, और जो इसकी लंबाई ली है वो 12 इंच की लंबाई ली है। तो इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग करी है। और ये देखिए मैंने यहाँ पर बीच में छोटा सा कट लगा लिया है जहाँ हमें प्लेट्स डालनी है। तो इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ, 1/2 इंच हमें इस तरफ से लेना है और 1/2 इंच हमें इस तरफ से लेना है। तो देखें इस तरीके से मैं यहाँ पर सिलाई लगा लेती हूँ पहले, और इसके बाद हम गले के लिए अलग से पट्टी लगाएंगे यहाँ पर। तो पहले मैं ये करके दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है, बीच में दोनों साइड से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए 2 प्लेट्स डाली है। अब इन प्लेट्स को प्रेस की हेल्प से सेट कर लेंगे। तो ये देखिए मैं इस तरीके से आपको दिखा रही हूँ। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आप देख रहे हैं, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने गले के लिए लिया है। इसी में हम अपने गले की कटिंग करेंगे। तो मैं इसमें इसको रख के दिखा देती हूँ।
इसकी इसको जो हमें जोड़ना है वो नीचे साइड से जोड़ना है, ऊपर साइड से नहीं जोड़ना, क्योंकि अगर हम इसको ऊपर साइड से जोड़ेंगे तो उल्टी तरफ से ये हमें सिलाई दिखाई देगी, और इस तरीके से अगर हम जोड़ेंगे तो ऊपर जब हम लेस लगाएंगे तो ये हाइड हो जाएगा, इसमें हमें सिलाई दिखेगी ही नहीं, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये गला बन के भी तैयार हो जाएगा। तो ये देखें, मैं यहाँ पर इस तरीके से रख के दिखा रही हूँ, और इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 7.5 से 8 इंच है, और जो लंबाई है वो 13 इंच की लंबाई है, क्योंकि आधा आधा इंच हमें चारों साइड से मार्जिन के लिए भी रखना है। तो ये देखें, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब मैं इसको प्रेस की हेल्प से सेट कर लेती हूँ पहले। इससे क्या होता है, जो सिलवटें होंगी वो भी ख़त्म हो जाएंगी और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। और इसके बाद जो हमारी प्लेट्स डाली हुई हैं उसमें भी मैं प्रेस कर लूँगी, इसी तरीके से प्रेस लगा के सेट कर लूँगी। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर इस तरीके से इनको प्रेस की हेल्प से सेट कर लेती हूँ अपनी दोनों प्लेट्स को। तो ये वाली भी हम इसी तरीके से इसको सेट कर लेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर दोनों प्लेट्स सेट हो गई हैं, प्रेस की हेल्प से हमने इसको सही कर लिया है। और अब हम इसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। ये देखें, तो गले की कटिंग के लिए मैं इस कपड़े को पहले डबल फोल्ड कर लेती हूँ। इस तरीके से पकड़ के मैं इसको डबल फोल्ड कर लेती हूँ। अब नॉर्मली जो हमें गले की कटिंग चाहिए होती है वही रखेंगे। तो मुझे जो गले की कटिंग चाहिए थी वो मैं 2.5 इंच पे लगाती हूँ निशान। इस तरीके से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये कट के निकल जाएगा। तो ये देखिए, 2.5 इंच पे निशान लगाने के बाद मैंने जो गले की लेंथ रखी है वो 5 इंच की लेंथ रखी है। तो इस तरीके से मैं निशान लगा के इसको गोलाई दे देती हूँ, और यहाँ पर हल्का सा हमें थोड़ा सा डिज़ाइन देना है। तो डिज़ाइन के लिए मैं इस तरीके से इसकी निशान लगा लेती हूँ इसमें। और ये देखें, ये निशान लगा ले। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ मैंने इसकी कटिंग कर ली। अब मैं इसको खोल के दिखा दूँ आपको। ये देखिए, इस तरीके से हमारा ये गला बन के रेडी हुआ। अब मैं इसमें एक पट्टी लगा दूँगी। ये मैंने पट्टी ऊपर की साइड लगाई है, नीचे की साइड नहीं लगाई है, ताकि हमारी फिनिशिंग बनी रहे। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये जर्कन वाली लेस ली है। ये किसी भी शॉप पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। और इस तरह की दो पट्टियाँ ली हैं मैंने। 1 मीटर मैं ये वाली लेस ले कर आई थी, तो लगभग 1.25 मीटर ये लग गई है हमारी। तो ये देखें, इस तरीके से पीछे साइड से भी आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं, कितनी साफ़ फिनिशिंग है इसकी। और मैं इसको सीधा रख के फिर इसको ऐसे ही दो पट्टियां ली हैं मैंने, दोनों को मैं इसमें अटैच कर दूंगी। इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए मैं यहाँ साइड साइड से इसमें सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखें, इस तरीके से मैं सिलाई लगा के आप लोगों को फिर दिखाती हूँ। इसके बाद हम इसकी गले की कटिंग करेंगे। तो उससे पहले हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी सिलाई लग के कम्प्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग के लिए ये जो बीच वाला पार्ट है जहाँ से हमने गला की कटिंग करी थी, उसी तरीके से हमने इसकी भी कटिंग कर देनी है जो एक्स्ट्रा है। तो ये देखें, इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन भी बन के तैयार हो जाएगा, और ये हमारे यहाँ पर लेस भी लग जाएगी। तो ये देखिए, एक पार्ट की कटिंग हो गई। इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये गले की कटिंग होके कंप्लीट हो गई है। अब जैसे हमने साइड में सिलाई लगाई थी, इसी तरीके से हम यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड से, जिससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आ जाए। इस तरीके से सिलाई लगा ली है, और मैंने यहाँ पर ना ये लेस का एक छोटा सा पार्ट ना बीच में लगा दिया है, मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए। ये फ्रंट पार्ट है हमारे पास, ये बैक पार्ट है। तो दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए, अब मैं इनको अटैच कर दूँगी। तो इसके बाद ये देखें, ये हमारी स्लीव्स है। तो स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पर लेस जो ली थी वो मैं 1 मीटर लेस ले कर आई थी। और इस तरीके से ये देखें, ये चौड़ी वाली लेस मैंने यहाँ पर अटैच करी है, क्योंकि हर किसी को कढ़ाई करना नहीं आता है, इसलिए आप ऐसे भी काम कर सकते हैं अगर आपको मॉडल जैसी ड्रेस पहननी भी है। और इस तरह की मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, तो मैं यहाँ पर आपको लिंक दे दूँगी, तो आप जाके चेक कर लेना। ये देखें, ये हमारी कुर्ती बन के यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसमें जो हमारा नीचे वाला पार्ट है उसमें सिलाई लगाना है। तो सिलाई लगाने के लिए मैंने यहाँ पर जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है वहाँ से
15 इंच की दूरी पर निशान लगाया है। यहाँ से देखें, मैं आपको इंच टेप से दिखाती हूँ। इस तरीके से मैंने आप यहाँ से 15 इंच की दूरी पर एक निशान लगाया है, इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक हमें ये छोड़ना है। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम सिलाई कर देंगे, इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम इसमें सिलाई कर देंगे। और ये मैं चारों तरफ से करके आप लोगों को फिर दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई कर दी है। आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं, बट मैंने इसको सिलाई का ही रखा है। तो ये देखें, हमारी ये ड्रेस बन के कम्प्लीट हो गई है और पोटली भी तैयार हो गई है, इसमें जो पोटली बनाई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।